हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं अरू साहू चैनल से एक अनदर सॉन्ग। यस, बस्तरिया सावन गीत बिजली चमके से अरू साहू लावण्या दास। ओके, हल्बी गाना 2023। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट।
जो चमस झड़ी बदल कर आए। क्या बात है। सो यहाँ पे ये सॉन्ग ख़त्म भाई, काफ़ी लंबा सॉन्ग है ना। और ऑफ कोर्स यार, बारिश की खूबसूरती, हमारे नेचर की खूबसूरती दर्शाने के लिए इतना लंबा सॉन्ग तो बनता है, रियली है ना, बनता है ना। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था भाई। बारिश की खूबसूरती यार, ना सिर्फ मतलब पोएट्स जो होते हैं, कवि जो होते हैं, वो अपने कविताओं में बताते हैं, बल्कि जो सिंगर्स होते हैं वो भी अपने गानों में बड़ी खूबसूरती के साथ इस बारिश की खूबसूरती को दिखाते हैं ना। क्योंकि बारिश ही एक ऐसा टाइम है जब हमारी धरती एकदम हरी भरी, बिल्कुल ऐसा लगता है हरी साड़ी पहनकर निकली हो, है ना। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत हर नज़ारा होता है। बट मैं ये जानती हूँ यार, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहाँ इतना खुश मिजाज मौसम होता है, ठीक है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, बारिश में भीगना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, वहीं लोगों की खुद की गलती की वजह से ही बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सीरियसली ये मतलब मैं कह रही हूँ, नेचर का जितना इसमें दोष है, ठीक है, 20% अगर नेचर का दोष है, तो 80 से 90% इंसान का खुद का दोष है।
क्योंकि उसने बाढ़ के रास्ते में, पानी के रास्ते में अपने घर बनाए हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से बाढ़, नेचुरल जो आपदाएँ होती हैं वो आती हैं, क्योंकि भाई नेचर हर दूसरे तीसरे दिन कंप्लेन करने तो आएगी नहीं कि तुम हमारी नेचर को बर्बाद कर रहे हो, हमारी प्रकृति को बर्बाद कर रहे हो, है ना। इंसानों से नेचर तो एक ही दो बार में ऐसे ऐसे झटके देती है कि भाई इंसान को सदियों तक याद रहता है ना। लेकिन वही है कि हाँ, इस टाइम जो बाढ़ आ रखी है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर, मतलब बाढ़ से इतने लोग परेशान हैं, तो वो किस लिए परेशान हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम रेगुलर तौर पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो एंड में आते आते वो चीज़ें काफ़ी बड़ा रूप ले लेती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल ये सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन भी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।